ओमान से छुट्टियां मनाकर लौट रही यात्रियों की भारी बस शेख मोहम्मद बिन जावेद रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 8 भारतीय नागरिक थे। दुबई में स्थित भारतीय वाणिज्य ने बस दुर्घटना में 8 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्षेत्र में मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए आज वायनाड का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ये जानकारी दी थी कि वो 7 या 8 जून को वायनाड का दौरा करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया है कि कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से दृढ़ निश्चय को सीखना चाहिए, खासतौर से उस तरह से जिससे वो मतदाताओं तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता ने बातचीत के दौरान मुझसे कहा कि दृढ़ निश्चय और अनुशासन ने हमें मदद की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, जहां वो अयोध्या शोध संस्थान में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के किसी भी विजय जुलूस को राज्य में इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कश्मीर घाटी में पुलवामा के लासीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार दोपहर से मुठभेड़ जारी थी। सुबह डीपीएल पुलवामा से गायब जम्मू कश्मीर के 2 एसपीओ सहित 4 आतंकी मारे गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। श्रीलंका में एक बार फिर सिंहला, बौद्ध और मुस्लिमों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ एक अखबार में छपी खबर के अनुसार एक मुस्लिम डॉक्टर ने गुप्त रूप से ऑपरेशन से बच्चों को जन्म देने वाली 4,000 बौद्ध महिलाओं की नसबंदी की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी में बताया गया है कि ये डॉक्टर प्रतिबंधित आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात का सदस्य भी है। वहीं पुलिस ने सेगू शहाबुद्दीन शफी नाम के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है और राज्य की योजनाओं का समर्थन करने की शक्ति नहीं है। इस वजह से मेरे लिए बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है।